a South Asian Canadian channel. संसद का बजट सेशन अज तो शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के सांझे सेशन संबोधन कर रहे हैं। मुर्मू ने पुजन उत्ते पूरे सदन ने मेजा थपथपाते हुए उन्हों का स्वागत किया। मुर्मू ने कहा, संसद के इस सांझे सेशन संबोधन करद मैं खुशी हो रही है। अजे कुछ महीने पहला ही देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे करके अमृतकाल च प्रवेश किया है। अमृतकाल के 25 साल का समा आजादी की सुनहरी सदी और विकसित भारत के निर्माण का समय। उन्होंने कहा, संसद इस सांझे सेशन संबोधन करद मैं खुशी हो रही है। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो। जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृतकाल के इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया, तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों को तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित दिशा में देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घटेलों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। माननीय सदस्यगण, भगवान बसवेश्वर ने कहा था, कायकोबे कैलाश, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म में ही सिद्ध। उनके दिखाई मार्ग पर चलते हुए
मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य को पूरा करने में तत्परता से जुटी है। आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबी को स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनकल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करने वाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आज भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपनी वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगातार दो बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को A South Asian Canadian channel.